चलिए देखिए आपके एग्जाम में जाते हैं एस लेटर, तो आज लेटर बताने हैं, कल तो नहीं ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो लेटर कितने टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, जो ऑफिशियल होते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, आप किसी रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड, किसी को भी लिख सकते हैं ना, उनके लिए होता है। फॉर्मल में जैसे कि टू द एडिटर, ठीक है, और कौन सा है, टू द प्रिंसिपल और टू द डीएम, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, टू द मैनेजर, ठीक है, और डायरेक्टर, इस तरीके से और भी है, ठीक है। इनको लेटर लिखने के लिए और इनको लिखने के लिए सब दोनों में क्या है, अलग अलग यूज होता है। हम क्या करेंगे, आपको एक ऐसी चीज बता देंगे जो आप लिखेंगे 50% मार्क्स आपके ऐसे ही ऐसे लेटर में, ठीक है, बाकी के 50% आपके हाथ में होते हैं लाने के लिए। जैसे कि उसमें क्या करना होगा आपको, कि कैसा फॉर्मेट होगा, कैसे आप उसमें वर्ड्स यूज करते हैं, कितना आपका लेटर इम्प्रेसिव है, कितना आप डायरेक्ट लैंग्वेज में उसको समझा सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए लिखते हैं, तो वो चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो और इसमें तो आप अपने फैमिली में किसी, चाहे आपका फ्रेंड हो, ठीक है, मोम को लिखे हैं, फादर को लिखे हैं, मोम डैड, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, इसे भी लिख सकते हैं ना, इसे यहाँ पर इनको सबको लिखने के लिए अलग अलग होता है। तो देखिए पहले हम आपको बता रहे हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है, कि देखिए फॉर्मल में कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे लिखना है आपको, लिखना है तो लिख लो, मैं तो रख करें। देखिए फॉर्मल लेटर इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक देखो याद रखना लाइन, ठीक है, यानी कि अगर आपकी लाइन ऐसे है कॉपी की, यहाँ से लिखेंगे क्या पहले, एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर किसका लिखना है, इसका लिखोगे अपना या फिर जिसका आपको मेंशन किया गया हो, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अभी बताएंगे क्वेश्चन में भी कि कैसे आपको मेंशन किया जाएगा कि कैसे एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पर लिखनी है डेट, ठीक है, डेट कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके जैसे कि 14 जुलाई 2021 इस तरीके, ठीक है, ऐसे डेट लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखना है सीधा, यहाँ पर मंथ का पूरा नाम, डेट, मंथ और ईयर, ओके, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, किसको लिखना है, तो यहीं से देखिए ये दोनों लाइन जो है इनमें एक एक लाइन छोड़ के, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन छोड़ दिए, फिर एक लाइन छोड़े और यहाँ से लिखा कर टू द, जिसे मान लो एडिटर है, ठीक है, जिसके लिए लिखा है वो, और फिर इसके बाद में उसका एड्रेस, ठीक है, वो जहाँ का भी हो इनका इनका एड्रेस मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ओके, और फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है थोड़ा बोल्ड लेटर में, या फिर जो है दूसरे पेन से लिख दो, ब्लैक पेन से लिख दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, यानी कि आपको दूर से ही दिखे, समझ गए। चलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, अब फिर यहाँ से लिखेंगे क्या, सर, ठीक है, और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहली लाइन आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ से लिखोगे जैसे कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, I would like to draw your attention
बार्स, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवार्ड्स, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये लाइन आपकी जो है समझो यूनिवर्सल लाइन इस टाइप के लेटर्स में आपको लिखना है इसमें फॉर्मुलेटर में, और यहाँ से जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लिखते जाइए यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। क्या करेंगे पूरा देख लेना यहाँ से, इसके यहाँ से स्टार्ट किया था इसके बाद से, और फिर देखो यहाँ से दूसरी लाइन सीधे लिखते जाएंगे और ऐसे जो है लिखते जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर जो है जब आपका ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाए तब आप यहाँ से लिखेंगे फिर से इसी के सामने से, ठीक है। क्या लिखोगे? आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी थैंकफुल टू योर थैंकफुल टू यू, ठीक है। इतना लिख देंगे लास्ट में, और लास्ट में क्या लिखोगे यहां से इसके सामने, ठीक है, लाइन छोड़ के यू सिंसियरली, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे एक्स वाई जेड, यानी कि अपना नाम लिख सकते हो, या फिर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको एड्रेस भी उसी में क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है, आपका नाम भी मेंशन होगा, तो आपको वो एड्रेस और उसका नाम जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मल लेटर हो जाएगा। आपका जो इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर में भी आपको क्या करना है, एड्रेस एड्रेस तो अपना यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सीधे आप डियर, ठीक है, डियर मॉम डैड फ्रेंड्स जो भी है आपका जो है लिख देना है, डियर मॉम डैड फ्रेंड जो भी आगे आना है, ठीक है। और फिर आप जो है क्या लिखेंगे यहाँ से सीधे यहीं से स्टार्ट करेंगे, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू ऑल्सो फाइन देयर, ठीक है। इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और इसको जो है पूरा लिख देंगे ऐसे, इस तरीके से जो भी हो, ओके। और फिर जब आपका कदम हो जाए तो सीधे यहाँ से लिखोगे कन्वे माई रिगार्ड्स to all friend and family. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिख लो। अब फिर जो है ये लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया है कि यहाँ पर लाइन छोड़ देंगे लिख लेंगे, और इसके बाद ये लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या लिखो बेटा, योर डियर लविंगली वगैरह जो भी निकलो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम, तो इस तरीके से आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इसमें क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आप जो है उस क्वेश्चन को करिए कैसे करना है, ठीक है। देख लीजिए पहले हम लिखा रहे हैं आपको फॉर्मल लेटर के बारे में, फॉर्मल लेटर का एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है, या फिर लिख दो अपना क्या दिया है कि पहले यहां लिखा जाएगा ऐसे यू आर, नाम दे दिया जाएगा आपका, ठीक है, और देखो इस तरीके से अनुज कुमार इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, नाम लिख दिया, किसी का भी मेंशन हो सकता है, उसने आपको दिया जा सकता है, ठीक है, यू आर। और यहां पर लिखोगे रेजिडेंशियल ऑफ अपना एड्रेस, जैसे कि मान लिया यहाँ पर लखनऊ लिख दिया, ठीक है, लखनऊ। फिर आपसे दिया है राइट लेटर टू द कलेक्टर, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, किसके बेस पे लिखना है, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर
ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शनल रेस्ट्रिक्शन या फिर बैन, ठीक है। इस पर ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, इतना तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखो जो भी पार्मेंट बनाया था उसी पर लिखना है आपको। तो जैसे यहाँ क्या लिखा था, एड्रेस, एड्रेस लिखोगे ऐसे कि मान लो कि B30297 ए ब्लॉक, ठीक है, ए ब्लॉक लिखो या ब्लॉक, ठीक है, जैसे लिखना चाहो। अब यहाँ पर क्या लिखोगे कि आपने मोहल्ले का नाम, ठीक है, और लखनऊ ऐसे की। चलो ए ब्लॉक नीचे होगा ना, ए ब्लॉक नहीं, यही लाइन में लिख सकते हो लखनऊ यूपी जो भी है लिख सकते हो इसके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे टू द, इसके लिए लिखोगे कलेक्टर, टू द कलेक्टर। अब एक सब्जेक्ट कहाँ लिखोगे, टू द कलेक्टर लखनऊ, ठीक है, इस तरीके से लिखिए। और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग बैन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर। और फिर यहां से लिखिए आप रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना तो आपने ऐसे लिखते चले आए यहां पर। अब देखिए, अब रिगार्डिंग बैन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर आप किसे लिखेंगे कि देखिए मान लो कि आपके एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम की प्रोग्रेस में आप लगे हैं, अब पता लगा कोई छोटा मोटा त्यौहार है या फिर ऐसे ही लोग जो है मालूम कभी कभी क्या करते हैं, बजाते हैं म्यूजिक, ठीक है। तो लाउड स्पीकर यूज करके पता लगा कि गाने बजा रहे हैं फालतू में, ठीक है, और तुम्हें चिल्ला रहे हैं। तो अगर आपने उनसे कहा भी है कि जो है एग्जाम है ना बजे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं, तब आप इनको यहाँ पर लिखेंगे। तो यही चीज़ हम जो है इसमें भी मेंशन करेंगे कि सर वही पहली वाली लाइन जो मैंने बताई थी, कौन सी लिखोगे लाइन यहाँ पर, लाइन लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू वर्ड्स, यहाँ से लिखोगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वर्ड्स, ठीक है, टू वर्ड्स किस पे, रेडी मैन ऑफ यूज ऑफ लॉट पे ना। तो यहाँ से लिखोगे noises caused by use of loud speaker, ठीक है, noises use of loud speaker। अब क्या है, अब loud speaker आप इतना आपने लिख दिया, अब किस लिए, अब आप मेंशन करेंगे यहाँ पर क्या आपने प्रॉब्लम क्या है कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम बहुत पास में है, हमारे लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिसको हम वेस्ट नहीं कर सकते किसी तरीके से, लेकिन और हम लोग जो है पूरा एफर्ट दे रहे हैं, हम जितने भी स्टूडेंट हैं हमें किस क्लास का एग्जाम है ये भी आपको मेंशन कर देना है, और ये बताना है कि हम लोग जो है हमारे पास टाइम कम बचा है, हम पूरा का पूरा टाइम अपने स्टडी में दे रहे हैं, ठीक है, अब स्टडी में दे रहे हैं, लेकिन हमें डिस्टर्बेंस किससे हो रहा है, लाउड स्पीकर से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस चीज़ पर आप कोई कड़ा एक्शन लें, और जो दोषी लोग हैं उनको जो है आप जैसे जहाँ
मना करें या फिर पनिश करें उनको वैसे भी, लेकिन ये लाउड स्पीकर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या है, हम अपना फुल टाइम जो है फुल मेंटली और फिजिकली जो है अपना एफर्ट किसमें दे सकें, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, धन्यवाद, ठीक है। इस तरीके से जो है आपकी लाइन जो है नीचे जो लिखा है लिख सकते हो। देयरफॉर फिर लास्ट में जब आपने अपना लिख देंगे तब लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी, आई शैल बी हाईली ऑब्लिज टू यू, ठीक है, या फिर आई शैल बी थैंकफुल टू यू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। आई शैल बी हाईली ऑब्लिज टू यू या फिर आई शैल बी थैंकफुल, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर बाद में लिखोगे थैंकिंग यू योर फैक्टफुली, अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये चीज़ आप बहुत देखेंगे, चलिए ये वाला देखो कॉमा फुल स्टॉप, ठीक है, कॉमा और फुल स्टॉप, और ना ही कहाँ से कहाँ स्टार्ट करनी, कैसे क्या लिखना है, अगर इतना आप लिख देंगे ना तो 5 मार्क्स तो आपको सिर्फ इस चीज़ पर मिल जाते हैं कि आपने एक स्टेप ये वाला सही लिखा, दूसरा ये वाला सही लिखा। डेट भूल गया, डेट भी लिखना था यहाँ पे, देखो डेट भी तो तुम्हें बताया था, जैसे कि यहाँ पर लिखोगे 1 नवंबर 2021, इस तरीके से डेट भी लिखेंगे, ठीक है, टेंशन करेंगे लाइन छोड़ दिया, उसके बाद में एक इधर उधर लाइन छोड़ दी, जैसे कि हमें दूर से डेट ये दिखे, ओके। तो इस तरीके से आपका होता है फॉर्मल लेटर, और इस फॉर्मल में भी वही आपको बता दिया है कि आप चाचा नाना मामी भाई बहन फ्रेंड किसी को भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, ये वाले दो स्टेप देखो आपको लिखने लिखना है, ठीक है, और ये सब उसमें नहीं लिखना है, इतना चीज़ें जो है आपके इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है। सीधा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा डियर अपना फ्रेंड है, मॉम है, डैड है, ब्रदर है, सिस्टर है, जिसको भी लिखना है यहाँ से डियर लिख के, और बस ये लाइन जो है सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। तो ठीक है, मैं आपको जो है क्या करूँगा कि ये क्वेश्चन और ये जो है ऐसे वो लेटर जो है पूरा हम आपको पेजेस में दे देंगे, आप लोग जो है कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका कौन सा ऐसे, चलिए ठीक है फिर।